हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झनक क्रिएशन। दोस्तों, आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। मैंने आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्शन बनाया है। हम लोग एल्बम का शीट बनाते हैं दोस्तों, एल्बम वेडिंग एल्बम बनाते हैं, वेडिंग के बर्थडे के एल्बम बनाते हैं। तो हम एल्बम बनाते हैं तो लास्ट में दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग उसका एक बार फिर से एक बार टचअप करना पड़ता है। क्लोजअप वगैरह का तो हम फिनिशिंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के जो विधि वाले पेजेस और वो जो फोटोज रहते हैं, बाकी सारे फोटोज हम उसको ऐड करते हैं, लेकिन वो लाइट वगैरह करके हम एडजस्ट करके रख देते हैं, लेकिन बाद में लास्ट में हम उसको एक बार और टचअप करते हैं ताकि सारे फोटोज अच्छे से स्मूथ दिखे, गुड लुकिंग लगे करके। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन आप लोगों के लिए आज बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा दोस्तों। तो चले दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। चले फोटोशॉप में चलते हैं दोस्तों। ये एक्शन में है और ये एक्शन जो है फोटोशॉप 7.0 से लेकर के अब तक के सारे वर्जन में काम करेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये फोटोशॉप 7 में बनाया गया है और ये आगे सारे वर्जन में काम करेगा। CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC के सारे वर्जन में काम करने वाला है दोस्तों। तो ये वो एक्शन है दोस्तों। देखिए, JC एल्बम फिनिश टचअप दोस्तों। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, तो ये कुछ एक्शन में इसको देखिए दोस्तों, मैं आपको शो कर देता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए सिंगल टच का मिलेगा, यहाँ पे रिवर्ट कर सकते हैं आप, उसको पैक कर सकते हैं। बैच का मिलेगा दोस्तों, आप इसमें बैच का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलने वाले हैं, जैसे कि रिड्यूस रेट। यहाँ पे समझ लीजिए, आपको आप यहीं पे ही अपने फोटोज का कलर करेक्शन भी कर सकते हैं ग्राउंड प्राइमरी लेवल पे दोस्तों। मतलब अगर आप क्लोजअप वगैरह का कटिंग करना चाहते हैं और फोटो को ऐड करना चाहते हैं बगैर कटिंग करे, ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू भी आप जो है कलर करेक्शन कर सकते हैं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये किस तरह से काम करेगा मैं पहले आपको एक्स्ट्रा के बारे में बता देता हूँ, फिर हम यहाँ पे फिनिशिंग की तरफ चलेंगे। इसमें से भी हम धीरे धीरे करके यूज करेंगे, ये कंप्लीट रिव्यू रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक फोटो डेमो फोटो ले लेता हूँ। मैं ये देखिए, कुछ फोटोज मैंने डेमो के लिए ले रखे हैं। चलिए मैं ये वाला फोटो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का ये फोटो है। तो एक्स्ट्रा पहले यूज करो दोस्तों। सबसे पहले मैं इसे बटन मोड में सेट कर देता हूँ और मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, इसके अकॉर्डिंग ताकि अच्छे से सेट हो जाइए, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक्शन है। मैं इसको इस साइड में ले आता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा पहला वाला एक्शन है, ये टाइटल है दोस्तों। दूसरा ये देखिए सिंगल टच का है, ये बैक जाने के लिए है, ये बैच वर्क के लिए है। ठीक है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सेटिंग है दोस्तों इन सारे एक्शंस का। अब एक्स्ट्रा का हम यूज करके देखेंगे दोस्तों। कुछ इस तरह के फोटो है, देखिए क्लोजअप फोटो है जिसमें देखिए रेड लाल लालपन जो है फोटो में ज्यादातर कैमरे से आ ही जाता है, सेटिंग वगैरह इधर उधर होने की वजह से। तो इसको हम जस्ट सिंगल क्लिक में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए मेरे रिड्यूस रेड पे क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरह से हो गया, अब इसमें थोड़ा सा पीलापन आ गया है। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस रेट दो तीन स्टेप में मैंने इसको बनाया दोस्तों, ताकि जिससे आपको आसानी हो सके। किसी फोटो में रेड टोन ज्यादा हो जाता है, किसी में येलो टोन ज्यादा हो जाता है, तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए रेड टोन को हम जैसे कि रिड्यूस रेट को जैसे ही क्लिक किया, मैं एक बार आपको बैक कर देता हूँ। देखिए रिड्यूस रेट को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरह से एक रिजल्ट आया हमारे पास। अब मैं देखिए सेकंड वाले एक्शन को क्लिक कर रहा हूँ, रिड्यूस येलो, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट हमको मिला है दोस्तों। अब इसमें कुछ कमी लग रही है, थोड़ा सा जान डालते हैं। तो हम इसमें देखिए, मैंने यहाँ पे तीसरा भी एक्शन रखा है ब्लू टोन करके, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए फोटो में जान आ जाएगी दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो हमारा फोटो पहले कैसा था दोस्तों, पहले हमारा फोटो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, बिफोर आफ्टर। ठीक है दोस्तों, ओके, ये कुछ इस तरह से। मैं आपको दूसरे फोटो में बता देता हूँ। चलिए इसमें ले लेते हैं, ये वाले फोटो ले लेते हैं, या चलिए दो एक दो फोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं सीधा कर लेता हूँ दोस्तों। ओके ठीक, पहले ये वाले फोटो पे करके देखते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा लाल दिख रहा है हमको, तो रेड टोन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिड्यूस रेड पर क्लिक कर देता हूँ, तो थोड़ा सा येलो टोन यहाँ पे दिखने लगा है दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, हम रिड्यूस येलो करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब हल्का सा इसमें ब्लू टोन डालना है
है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ब्लूटूथ पे ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, आप मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लूटूथ ऐड कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से ये जो है फोटो हमें मिल रहा है दोस्तों। कैसा था ये? इस तरह से था बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है दोस्तों, बिफोर आफ्टर। दूसरे फोटो में हम ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, रेड टोन, रेड रिड्यूस, रेड रिड्यूस, येलो, हल्का सा ब्लू टोन हम इसमें ऐड करते हैं। तो देखिए फोटो में चार चांद लग जाते हैं। अगर आपको इसको इसी के साथ में देखिए आपको कटिंग करना है तो आप देखिए थोड़ा सा इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। आप देखिए सिंगल टच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फोटो जो है स्मूथ हो जाता है, देखिए बस एक सिंगल क्लिक में। ठीक है दोस्तों, ऐसा देखिए ऐसा था, ऐसा हो गया, देखिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप इस एक्शन की मदद से अपने फोटो को फाइनल टच दे सकते हैं। ये एक्स्ट्रा के लिए दोस्तों। अब हमें जो ये एल्बम टचअप है उसका हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं इसे सिंपली क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह से, आप चाहे तो, और ये कलर करने के बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ पे देखिए दो एक्शन और है, उसका मैं आप कैसे यूज करेंगे वो भी बता देता हूँ। चलिए ये वाला फोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, इसे रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। रेड्यूस रेड, रेड्यूस येलो, हल्का सा ब्लू टोन इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम सिंगल टच से स्मूथ कर लेते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, आपको अगर लाइट वगैरह बढ़ाना है और कुछ इसमें कलर बैलेंस एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इसके ज्वेलरी वगैरह को हाईलाइट करना है, कपड़े को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा शार्प आई एंड आई वगैरह को, अगर आपका आँख धुंधला लग रहा है, कपड़े धुंधले लग रहे हैं, ज्वेलरी धुंधली लग रही है, तो आप इसे इसके थ्रू शार्प कर सकते हैं। देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे ब्रश मिल जाता है दोस्तों। तो मैं इसे देखिए, मैं इसे सिंपली यहाँ पे आप पेंट करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों पेंट कर रहा हूँ तो मेरे जो ड्रेस है, ज्वेलरी है, वो हाईलाइट हो रही है कुछ इस तरह से, शार्प हो रहा है दोस्तों। ये यहाँ पे देख सकते हैं, आंखों को अगर आप थोड़ा सा शार्प करना चाहें तो आंखों को कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ज्वेलरी, ड्रेस वगैरह को आप इसके थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, सपोज ये हमारा हो गया है। ठीक है, मान लेते हैं आप अगर इसको यूज करेंगे तो आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये मेरे, चलिए मैं मान लेते हैं हमने ये कंप्लीट, हमारा ज्वेलरी वगैरह भी हाईलाइट हो गया है। ओके दोस्तों, अब क्या करना है, आप यहीं से डायरेक्टली सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया तो यह सेव करने का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप यहाँ से जेपीजी, पीएचडी, एसवीजी आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, मैं सिंपली इसे अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि जो एल्बम टचअप है, जो एल्बम की जो सीट्स रहती हैं उसे आप किस तरह से जो है फाइनल टच दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेमो पेजेस रखे हैं, 10 पेजेस मैंने यहाँ पे मेरे पुराने एल्बम्स के यहाँ पे मैंने रख लिया दोस्तों। चले मैं एक आध पेज आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ कुछ इस तरह से। ये एक 12x36 का एक सीट है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना है, आप इस चाहे तो एक एक पेज को ओपन करके यहाँ पे मैनुअली, यहाँ पे देखिए सिंगल टच को क्लिक करके आप टचअप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। आप ये दोस्तों थोड़ा आप स्लो हो सकता है आपको लगेगा, क्योंकि आपके स्पीड के, कंप्यूटर के स्पीड के हिसाब से ये काम करता है। आपका कंप्यूटर, आपका जो सिस्टम है वो जितना अच्छा रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा रहेगा उतना ही ये स्पीड काम करेगा दोस्तों। ये दोस्तों, ये हमारा जो है सिंगल टच हो गया है। देखिए यहाँ पे चेहरा हमारा जो है स्मूथ हो गया है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप चाहे तो इसे मैनुअली सेव करते हैं या इसके थ्रू भी जा सकते हैं, आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। ये तो आप सिंगल पेज को एक एक करके कुछ इस तरह से आप जो है अपने फोटो को टच, फाइनल टच दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास टाइम कम है और आप अपने ढेर सारे फोटोज को एक साथ इस तरह से फाइनल टच देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक एक्शन बना के रखा है दोस्तों, आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब क्या करना है आपको, ढेर सारे फोटोज को आपको टचअप करना है, आपको स्मूथ करना है उसको, सारे फोटोज को, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए जो पर्पल कलर का है, ठीक
ठीक है, बैच टचअप, आपको सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक बैच का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेटेड रहेगा। आपको केवल सोर्स देना है, सोर्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज पे फोल्डर्स आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। आपने फोल्डर कहाँ रखे हैं, तो मैंने डेस्कटॉप में ट्रायल करके एक फोल्डर रखा है। ओके, ये देखिए ट्रायल करके मैंने यहाँ पे 10 फोटोज रखे हैं दोस्तों। ये देखिए ट्रायल नाम का एक फोल्डर है। अब बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटो सिलेक्ट करना है और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्टिनेशन भी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है वो जो है दोस्तों डी ड्राइव में, ये जो डी ड्राइव है, मैंने यहाँ पे एक फाइनल टचअप का एक फोल्डर रखा है। मैंने सिंपली यहाँ पे चलिए एक ट्रायल क्लिक था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो फाइनल टचअप का एक फोल्डर है जो डी ड्राइव में, ये इस एक्शन के साथ आपको ये फोल्डर मिलेगा दोस्तों। तो ये फोल्डर में आपके सारे फोटोज जो है ऑटोमेटिकली वन बाय वन इसमें आते जाएंगे। क्या करना है, ये मैंने फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, ट्रायल नाम का फोल्डर जिसमें 10 फोटोज 10 शीट रखे थे दोस्तों। अब मैं इसे सिंपली यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ये देखिए ओके पे क्लिक करता हूँ तो वो फोटोज ऑटोमेटिकली ओपन होंगे। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है फोटोशॉप में, अब वो वर्क हो रहा है। और बैक टू बैक इस पे ये जो डी ड्राइव में जो फाइनल टचअप का जो फोल्डर है उसमें बैक टू बैक ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक फोटो हमारा फिनिश होके यहाँ पे आ गया है, दूसरा फोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो गया है दोस्तों। अब ये इस तरह से सारे फोटोज बैक टू बैक ओपन होंगे और यहाँ पे इस फोल्डर पे वो ऑटोमेटिकली आके सेव हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप हमारा टाइम बचे। बैच वर्क होने के बाद दोस्तों सारे फोटोज आपके फिनिश हो करके आपके डी ड्राइव में जो फाइनल टच का फोल्डर है उसमें ऑटोमेटिकली आकर के सेव हो जाता है दोस्तों। देखिए हमारे सारे फोटोज इसमें आकर के सेव। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे और वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। अगर आपको ये एक्शन फाइल चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ये एक्शन मुझसे ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह के मजेदार ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।